हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में कुछ भर्तियां निकली हुई हैं जिनके फॉर्म अभी ऑनलाइन हो रहे हैं। तो आप अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप जल्दी से फॉर्म को भर दीजिए। दोस्तों, ये रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के पद पर ये भर्ती निकली हैं। बात करते हैं कितने पद हैं और आपको क्या क्या योग्यता चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कर्मशाला कर्मचारी में जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 51 पद दिए हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों के लिए 11 पद दिए हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 32 पद दिए हैं, अनुसूचित जाति वालों के लिए 24 पद हैं और अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 2 पद हैं। टोटल 120 पद इसमें दिए गए हैं। तो ये 120 वैकेंसी इसके अंदर हैं। अब बात करते हैं कुछ ये हॉरिजेंटल वाले आरक्षण वालों के लिए बात करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए दो पद हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 पद हैं, महिलाओं के लिए 23 पद दिए हैं। तो इसमें महिला भी अप्लाई कर सकती हैं। हम सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ही बताएंगे, इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे, बाकी जो आपके काम की है सिर्फ वही बताएंगे, वरना वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। दोस्तों, ऑनलाइन जो प्रक्रिया है ये 20/1/2022 से, यानी 20 जनवरी से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं और अंतिम डेट इसकी 28 फरवरी 2022 होगी। यानी 20 जनवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 28 फरवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। दोस्तों, इसके लिए आपको 400 रुपये फ़ीस देनी होगी इस फॉर्म भरने के लिए। आवेदन की अंतिम तिथि आपको दिख रही है, अंतिम तिथि 28 फरवरी है। जब तक उससे पहले आप इस फॉर्म को अगर नहीं भरा तो भर दीजिए। बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा आपको क्या चाहिए, यानी कि डोएक नाइलिट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र, पारिवारिक सेना में अगर आपने 2 वर्ष की अवधि दी है, और राष्ट्रीय कैडेट कोर का वी प्रमाण पत्र, ये आप इसके साथ लगा सकते हैं अगर आपके पास है तो। आयु की बात करते हैं, आपकी जो आयु है 1/7/2022 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक का न हो, इसमें काफ़ी छूट है, काफ़ी उम्र दी है, यानी कि 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि जिनका जन्म 1/7/1994 से पूर्व तथा देना 1/7/2002 के बाद में हुआ हो, यानी कि इन वर्ष के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती की प्रक्रिया है, भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आपकी ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी और 400 अंक इसमें दिए हैं। सामान्य हिंदी में 100 अंक का होगा, विज्ञान सामान्य ज्ञान का 100 अंक का होगा, मानसिक योग्यता यानी मैथ 100 का होगा और अभिरुचि रीजनिंग भी आपकी 100 अंक की होगी। समय आपका वही 2.5 घंटा का होगा, यानी कि 150 मिनट आपके समय है, 150 मिनट में आपको ये पूरा करना होगा। इसमें आपको 50% अंक लाने अनिवार्य होंगे। इसमें आपके लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। बात करते हैं ऊंचाई की, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 1/68 सेंटीमीटर होगी और अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 1/60 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी। अब बात करते हैं सीना, सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति का अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर होगा और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होगा, यानी कि फुलाकर 84 सेंटीमीटर
फुलाव होना चाहिए। वही बात करते हैं अनुसूचित जाति वालों के लिए, इनके लिए अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला करके 82 सेंटीमीटर होना अनिवार्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए बात करते हैं, महिला अभ्यर्थियों के लिए जो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं, उनकी जो ऊंचाई है 152 सेंटीमीटर की होगी, और जो महिलाएं अनुसूचित जनजाति के अंदर आती हैं उनकी ऊंचाई 147 सेंटीमीटर की होगी, यानी कि 147 सेंटीमीटर की हाइट होनी अनिवार्य है। महिलाओं का वजन 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम 40 किलोग्राम अनिवार्य है। अब बात करते हैं आपका फिजिकल, जो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में आपको जो पुरुष वर्ग के हैं यानी कि परीक्षा में जो सफल होंगे, सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इन्हें सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ यानी 4800 मीटर की दौड़ होगी, जो आपको 28 मिनट में पार करनी होगी। वहीं बात अगर महिलाओं की करते हैं तो महिला अभ्यर्थी 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी यानी 2400 मीटर की दौड़ होगी, जो 16 मिनट में पार करनी होगी। अगर जो अभ्यर्थी इस दौड़ को समय से पूरा नहीं करते हैं तो वो इस भर्ती से बाहर कर दिए जाएंगे, उनका चयन नहीं होगा। अगर आप भर्ती देख रहे हैं तो आप अपनी तैयारी बरकरार रखें। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट के आरक्षण में आपको छूट, तो इसमें आपको कुछ आरक्षण मिला हुआ है। इसमें जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं उनको 21% आरक्षण है और उम्र में 5 वर्ष की छूट दी है, यानी कि इसमें आपके 20 से 28 वर्ष मांगिए तो 28 में 5 और जोड़ दीजिए तो आपका 33 वर्ष तक के इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसी प्रकार अनुसूचित जाति वालों के लिए 2% आरक्षण है और 5 वर्ष की छूट दी है। अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 27% आरक्षण है और 5 वर्ष की छूट इसमें दी गई है। अब बात करते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर, इनके लिए 10% आरक्षण है, उम्र में कोई छूट नहीं है। बात करते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में वालों के लिए आरक्षण, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके लिए 2% आरक्षण है, उम्र में कोई छूट नहीं है। भूतपूर्व सैनिक, इनके लिए 5% आरक्षण है, उम्र में 3 वर्ष की छूट है। महिलाओं के लिए 20% आरक्षण है, उम्र में कोई छूट नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ यही आपके लिए मोस्ट था फॉर्म भरने के लिए, बाकी ये कुछ जानकारी है जो आपके लिए अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित आवेदकों को होना अनिवार्य है, तो आपके लिए ये स्कैन करने पड़ेंगे। इसमें आपके लिए प्रमाण पत्र होगा, जो आपके कागज़ हैं, आपने योग्यता जो की है उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो आप उसके बाद आपके डोएक और नाइलिट सोसाइटीज कंप्यूटर से ओ लेवल का प्रमाण पत्र आप लगा सकते हो, 2 वर्ष का अगर आपने सेवा दी है उसका भी, एनसीसी कैडेट बी प्रमाण पत्र
आप इसमें लगा सकते हो। और आयु सीमा में छूट के दावे संबंधी अभिलेख, यानी अगर आपको छूट लेनी है आयु में, तो आपके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र, और अन्य पिछड़ा वर्ग जाति वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र इसमें लगाना होगा। इसे आवेदन करने की तिथि 28 फरवरी है। अगर आपने फॉर्म आवेदन नहीं किया है तो आप जल्दी से आवेदन कर दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट भर्ती के साथ। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।